वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ गिवन मेटल जो कि मैग्नीशियम है बाय यूजिंग इडियोमीटर। आप सोच रहे होंगे कि किसी गैस को हम कैसे मेजर करेंगे, सो इट्स सिंपल, वी कैन मेजर द गैस बाय यूजिंग द इडियोमीटर। इस ट्यूब को अगर हम इन्वर्ट करेंगे और HCl को यहाँ पे फिलअप करते हैं और मैग्नीशियम टल की जो स्ट्रिप है उसको अगर हम इडियोमीटर में पुश करेंगे तो क्या होगा कि लिब्रेटेड गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस वो ऊपर जमा होगा, ओके, एंड इजीली हम उसको मेजर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द इडियोमीटर, इसको 50% HCl से फिलअप करेंगे, पूरा एंड तक फिलअप करना है। मेटल स्ट्रिप को फोल्ड कर लेंगे सो दैट वी कैन इंसर्ट इट इन इडियोमीटर, ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इडियोमीटर को कंप्लीट फिलअप करने के बाद में ऐसे थंब से इसको प्रेस करके इन्वर्ट करना है और वाटर ट्रफ जो है उसमें इसको छोड़ देना है अंदर डिप करके, ओके, इस तरीके से। मेटल स्ट्रिप को जो हमने राउंड करके रखा है उसको धीरे से अंदर ढकेलना है, वो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस क्योंकि अंदर 50% HCl है, ओके। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं गैस, हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो रहा है। सो लेट कंप्लीट द रिएक्शन, ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी भी हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो रहा है। उसके बाद में इसको हम प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए इसको गार्ड करना होगा नीचे से, ओके, क्रूसिबल का यूज करके हम इसको नीचे से गार्ड करेंगे, क्रूसिबल का यूज करेंगे ताकि एयर बबल ना जाए, और उसको पानी का जो जार है उस जार में पुट करेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्रूसिबल को छोड़ देंगे नीचे, ओके, थोड़ा सा केयरफुली करना होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे टू लेयर्स जो है, ओके, अंदर का लेयर और बाहर का लेयर, प्रेशर को इक्वलाइज करेंगे, दोनों लेयर को एक समान लाएंगे। दीज आर व्हाट द ऑब्जर्वेशंस। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट ENTP V0। वी कैन पुट ऑल दिस वैल्यूज टू गेट द V0 विच इज 30.34। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वी कैन गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दैट इज 12.92। सो दिस इज व्हाट द फर्दर कैलकुलेशन। If you want to calculate the volume of hydrogen gas at STP displaced by 0.1 gram of metal, this is what the main result, that is equivalent weight of the magnesium metal, which is equal to 12.92, very close to the standard result.